नमस्ते दोस्तों कर ली तो जब आदि योगी को शिवा प्राप्त हुए अभी शिवा क्या, होता है? के बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता भगवान को पता है और जिन लोगों ने शिवा को प्राप्त किया है बुद्ध भगवान को पता है जो भी जिन लोगों को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई है उन्हें ये चीजें पता है पर एटलीस्ट वी कैन गेस अबाउट वॉट हैपन्स करेक्ट साइंस के थ्रू hmm. कि उस मोमेंट तक पहुँचने में ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू यू साइंटिफिकली स्पीकिंग आपने कहा लिम्बिक सिस्टम शायद पूरे पूरी तरह से डिटैच हो जाता है और आपकी सेंस ऑफ ईगो एंड आइडेंटिटी कि ये मेरी बॉडी है, right. है, है, है ये मेरे नीड्स है मुझे भूख लगी है मेरे मेमरीज ये मेरे माता ये मेरे पिता है वो सब चीज़ें मिट जाती है As in, आपको अवेयरनेस होता है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं पर यार अभी ये सब भी है सो so, मैंने मोक्ष के बारे में बहुत सोचा है भगवदगीता पढ़ने के बाद भी मैंने सोचा है द ट्रूथ इज दैट आई डोंट नो डेथ के बाद क्या होता है ऑल दैट आई हैव अंडरस्टुड फ्राम भगवदगीता एंड फ्राम न्यूरो साइंस इज दैट देर इज ऑल आवर बायो केमिकल एनर्जी इज होल्डिंग अवर बॉडी टूगेदर ठीक है आवर सेल्स हमारे ऑर्गन्स हार्ट लिवर किडनी ब्लड सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ बिकॉज ऑफ आर बायोकेमिकल एनर्जी हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें से ऑल दैट एनर्जी इज होल्डिंग अस टूगेदर एंड दैट सर्कल ऑफ एनर्जी वेन यू नो इन भगवदगीता सेवरीथिंग इज री इनकारनेटेड एवरीथिंग गोज फ्राम वन टू अनादर एक से एक होता है इट इज ऑल कमिंग फ्राम द सन और ये लिखा होता है भगवत गीता में भी है कि दिस पूरा यूनिवर्स इज कमिंग इन फ्रॉम वन टू अदर टू अदर सो वेन यू से डेथ डेथ इज बेसिकली ऑफ दैट एनर्जी इन टू लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी तो वेन वी डाई नॉट ऑल अवर ऑर्गन टाइम तो आप जब मरते हो तो आपका किडनी और आपका लिवर और आपका बोन एक टाइम पे नहीं मरते उसमें से सेल्स होते हैं जो अभी भी जिंदा है

Stop talking to each other, but they are still alive. so for me death is going one level down in the energy level. तो so when or even energy bhi nahi bolenge communication level. Biological level? Biological level पे अगर हमारे सारे cells एक दूसरे के साथ communicate कर पा रहा है तो मतलब you are alive. एक बार वो communication breakdown हो गया तो you are not alive. You are less alive. सो so, मोक्ष का कॉन्सेप्ट मुझे बायोलॉजी के साथ अभी तक वो क्लियर uh, नहीं हुआ है मुझे वो क्लैरिटी नहीं आया है अभी तक बट डेथ का कॉन्सेप्ट अभी 2022 ट्वेंटी टू जुलाई जून 2022 ट्वेंटी टू दिस इज माई कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट डेथ इज सदगुरु कहते हैं hmm. uh, like जो आपके अंदर है और जो आपके बाहर है वो एक जैसा लगने लगता है hmm. आपकी बाउंड्रीज खत्म हो जाती है करेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड कोई थियरी हो सकती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली हाउ डू यू नो योर आर्म आप जब बोलते हो कि यू आर यू आपके दिमाग में एक मेंटल मैप बनता है आपके बॉडी का कि मेरा हाथ यहाँ मेरे पैर वहां करेक्ट तो यहां तक मैं हूं लेकिन ये माइक मैं नहीं हूं करेक्ट ऐसे आप क्यों बोल रहे हो बिकॉज आपके दिमाग में एक मेंटल मैप बना हुआ है कि यहाँ तक है मेरा हाथ बट सपोज आप टेनिस प्लेयर हो प्रो टेनिस प्लेयर हो रॉजर फेडरर खेल रहा है उसके लिए उसका बॉडी एक्सटेंड होता है रैकेट को इंक्लूड करना तो वाइल ही इज प्लेइंग दैट रैकेट इज अ पार्ट ऑफ हिज बॉडी उसको सोचना नहीं पड़ता कि मेरा उंगली रैकेट को पकड़ रहा है वो रैकेट बॉडी का पार्ट हो जाता है तो दैट इज हाउ योर ब्रेन कैलकुलेट्स की बॉल अगर दो मीटर दूर है तो मुझे हाथ इतना स्ट्रेच करना है क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि रैकेट और एक मीटर आगे है तो आवर बॉडी आवर ब्रेन इज बॉडीबल ऑफ एक्सटेंडिंग आवर आइडेंटिटी आउटसाइड आवर बॉडी बेसिकली आपकी आइडेंटिटी आपके डायमेंशन होते हैं तो जब कोई कहते हैं कि शिवा इज द डायमेंशन बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग शायद ये शिवा डायमेंशन यही है hmm. कि आप रियलिटी को शायद कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि पूरी दुनिया आपका रैकेट बन जाता है Brilliant. और और अगर आप में ईगो आ गया कि नहीं अभी तो मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता अब मैं इस माया को कंट्रोल कर सकता हूँ hmm. फिर आपका ईगो फिर से स्वेल हो जाता है तो लेट्स टॉक ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस बिकॉज आई लाइक दैट मोर जस्ट लाइक रॉजर फेडर कंट्रोल द रैकेट एंड ही फील्स दैट ये रैकेट मेरा ही पार्ट है सपोज हाइपोथेटिकली आपको वो लेवल ऑफ कंट्रोल और अंडरस्टैंडिंग आ गया पूरी दुनिया के साथ Maya Ha, With all of reality, you now understand this table, this mic, everything at a brain level, at a cellular level. Now, where do I end and where does this table begin? Where does the carpet begin? If everything is mapped in my brain, theoretically, who am I? I am everything. I am everyone. सो फर मी दिस इज द क्लोजेस्ट वे दैट यू कैन कनेक्ट न्यूरोसाइंस विथ सिंगुलैरिटी जो बोलते हैं ना uh, स, हम सब एक है दिस इज हाउ यू कैन probably डू इट शायद हमारे ब्रेन में कोई ऐसा सिस्टम है जो हमें पीछे खींच रहा होगा या जैसे गेम्स में अनलॉकेबल्स होते हैं कोई लॉक्ड सिस्टम है राइट right. और वो लॉक सिस्टम शायद खुल जाता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ मेडिटेशन के इट इज पॉसिबल हाँ क्योंकि हमारा ब्रेन का मेन फंक्शन है खुद को बचाना दैट इज वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट दैट मैं यहां खत्म होता हूँ और आप वहाँ से शुरू होते हो बिकॉज हु नोज यू माइट कम टू अटैक मी तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल तो दैट इज वाई आई नीड अ वेरी क्लियर बाउंड्री सब कुछ फियर से ही आता है यू नो वट वी साइड पहले शिवा फियर ऑफ डेथ एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम देअ द ओनली रीजन आई एम अफ्रेड ऑफ इंक्लूडिंग यू इन माई आइडेंटिटी वॉट इव यू हर्ट मी सपोज आई हैव नो फियर आई हैव नो फियर ऑफ दैट हैिंग नाउ दिस होल वर्ल्ड कुड बी मी क्योंकि आई दिस बॉडी नाउ बिकम्स मीनिंग बिकॉज ऑल द बॉडी वर्ल्ड आर आर पार्ट ऑफ मी तो इफ दिस बॉडी गोज ऑल्सो क्या फर्क पड़ता है बट दिस इज वन थिंग टू सेक्चुअली बी एट दैट लेवल ये इंटलेक्चुअल बात हम लोग कर रहे हैं बट इफ समी कम्स एंड प्रस माई हैंड आई विल फील पेन एंड आई विल फील एंग्री बिकॉज माई लिंबिक सिस्टमिल टेक ओवर बिकॉज माई प्री फ्रेंटल कॉन्टेक्ट हैज नॉट रीच्ड वो लेवल तक नहीं है कि हम सब एक है एंड hmm. uh, में डेंजरसली uh, uh -huh. मैं साइंटिफिक कॉन्वर्सेशन में एक लास्ट बिट ऑफ फिलोसफी लाना चाहूँगा ओके okay. uh, ये मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में पढ़ा था और कहते हैं कि जो भी साइंस हम गेस्ट करते हैं जो भी रियालिटीज़ हम गेस्ट करते हैं वो सब फिलासफीज होती है पर उस किताब में और जितने भी स्परिचुअल किताबें मैंने पढ़ी है uh, यही कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो मानव वाली लाइफ हम जी रहे हैं मनुष्य वाली लाइफ जी रहे हैं ये टेम्पररी है वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस वी आर स्पिरिचुअल बींगस हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस वी आर स्पिरिचुअल बींग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसिस तो इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर जो सोल है जो आत्मा है वही जिंदा है हमें इस बॉडी में रहकर शायद स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना और पूरा प्रोग्रेस पाने के बाद शायद इस धरती पर मोक्ष पाने के बाद शायद हम भगवान के साथ जुड़ जाएंगे शायद नहीं पर हम डेफिनेटली एक हायर बीइंग में इवॉल्व होते हैं right. ये वो फिलॉसफी है जो हर बुक में लिखा ये वो फिलॉसफी है जिसकी मेंशन हर बुक में है right. जिसे लोग एस्ट्रल बीइंग कहते हैं या हायर डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एटसेट्रा एटसेट्राट्राइ शिवा डायमेंशन right. तो आई डोंट नो ये शायद मेरे अकॉर्डिंग लाइफ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए इफ नॉट फॉर देन एटलीस्ट फॉर करियर प्रोग्रेस एटलीस्ट फॉर योर ओन शांति Yeah. क्योंकि जितनी ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हो जितना कम आपका ईगो होते जा रहा है उतनी ज्यादा शांति आपके दिमाग को प्राप्त होती है और जितनी ज्यादा शांति आपके दिमाग में होती है उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपके लाइफ में होती है उतनी उतना ज्यादा फोकस आपका हो हो जाता है okay. शायद ये सकता ब्रॉडकास्ट का मैंने एक नोटिस किया था कि ये मेरे पढ़ाई के टाइम पे नोटिस किया था कि अगर आपको एक लेवल डिफिकल्टी तक पढ़ाई करना है सपोज यू गो डाउन टू मोर लेवल्स एंड देन यू कम बैक फर्स्ट लेवल लुक्स वेरी इजी ना हमेशा होता है सो डोंट स्टॉप एट योर लिमिट ट्राई एंड गो और डोंट स्टॉप एट योर रिक्वायरमेंट ट्राई टू गो टू स्टेप डीपर सो नाउ द रिक्वायर्ड लेवल बिकम्स वेरी इजी मे बी स्पिरिचुअलिटी डज दैट फॉर यू अगर आप उस लेवल तक गए कि दिस बॉडी इज नॉट माइंड माई माइंड इज फ्री टू बी वट एवर आई वॉन्ट एंड नाउ यू कम बैक टू योर एवरी डे प्रॉब्लम्स थिंग्स अलॉट मोर मैनेजेबल मे बी maybe maybe दैट इज वॉट स्पिरिचुअलिटी रियली डर डी आर एस क्लिप Hindi के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों लव टू यू ऑल नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को यानी पूरे एपिसोड को उसके नीचे हमने लिंक किया है एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा